गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीआर अनबॉक्सिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है हेयर बॉल ट्रिमर लेंट रैमवर। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ ये किस कलर में आता है। तो गाइस, सबसे पहले हमें बॉक्स में इसकी मैनुअल गाइड मिल जाती है जिसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। फिर हमें ए टाइप की यूएसबी केबल मिल जाती है, ये आप देख रहे हैं ए टाइप की यूएसबी केबल। और ये केबल ए टाइप की केबल आप इसमें यहाँ लगा सकते हैं गाइस, ये देख रहे हैं आप यहाँ लगा सकते हैं और इसको आप फिर ऐसे यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं गाइस ये कितना प्यारा प्रोडक्ट है। इसको आप इजीली सबसे पहले चार्ज करें गाइस, ठीक है। फिर मैनुअल गाइड में आपको सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है मैनुअल गाइड में कि कितनी देर तक इसको चार्ज करना है और फिर इसके कैसे कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आप इसको 30 मिनट्स चार्ज पर लगाएं, इसको अच्छे से चार्ज होने दें फुल। फिर आपके जिन स्वेटरों में रुएं आ गए हैं या हमारे सॉक्स में कई बार क्या होता है कि रुई लग जाती है तो जिसकी वजह से हमारे सॉक्स बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगते हैं, तो गाइस सबसे पहले जो हमारा स्वेटर है सपोज, तो हम अपने स्वेटर को लीजिए और जहाँ जहाँ उसमें रुएं आ गए हैं, जहाँ उसमें रुएं आ चुके हैं, वहाँ पर आप इस मशीन के जरिए, इस ट्रिमर के जरिए आप इजीली इसको ऑन कीजिए, ठीक है गाइस। ऑन करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आवाज़ आने लगेगी। तो आप इसको इजीली ऑन करके फिर देन इसको हल्के हल्के हाथ से यू करना है आपको, ठीक है गाइस, ऐसे ऐसे करना है। तो जितने भी आपके स्वेटर पर रुए हैं वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें एक कटर लगा हुआ है। आई होप आप देख सकते होंगे कि इसमें एक कटर लगा हुआ है, तो जब हम इस मशीन को ऑन करेंगे तो वो कटर घूमेगा सर्कल राउंड से। तो जब वो ये कटर घूमेगा तो जो हमारे स्वेटर के रुए होंगे वो ऑटोमेटिकली कट करता जाएगा। देन फिर जब इकट्ठा हो जाए तो आप इसको यहाँ से खोलिए, आप इससे खोलकर यहाँ से इसको ब्रश से साफ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और देख सकते हैं गाइस ये इसमें जितने भी ये ब्लेड लगे हुए हैं ना, ये आप देख सकते हैं गाइस ये जो ब्लेड लगे हुए हैं काफी शार्प हैं, तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा वरना आप अपने जल्दबाजी में हाथ वात काट लीजिए, ठीक है गाइस। तो जब भी इसको यूज करें तो एक ब्रश लें नॉर्मल सा जिससे डस्टिंग साफ करते हैं, उससे आप ब्रश से इसको साफ कीजिए, देन वापस से इसको लगा दीजिए जिसमें आपका हाथ वात नहीं कटे, ठीक है गाइस। तो ये वापस से मैं भी लगा देती हूँ। तो इसमें आपके जो रुएं इकट्ठा होंगे जैसे कटेंगे ना इसके जरिए, तो वो आपके खराब नहीं करेगी आपकी मशीन को। और मैंने जो ट्रिमर्स देखे हुए हैं उसमें ये खुलने वाला पोर्शन ही नहीं दिया गया है गाइस। तो गाइस मैंने ये एक सबसे बेस्ट ट्रिमर आपको बताया है कि जिसमें आप इजीली इसको खोल सकें, इजीली आप अपना रुआ निकाल सकें और फिर से आप वापस इसको यूज कर सकें। कई बार क्या होता है कि जो ट्रिमर ओपन नहीं होते हैं ना गाइस, तो वो इकट्ठा होता जाता है रुआ और फिर मशीन को ख़राब कर देता है, फिर वो मशीन फिरने लायक हो जाती है। तो गाइस ये एक इतना प्यारा प्रोडक्ट है, इसकी शेप बहुत प्यारी है और सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी मुझे कि इसको चार्ज कर लें आप और फिर आपको जैसे मर्जी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बी आर अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब कीजिए। और बी आर अनबॉक्सिंग को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए हैं। तो गाइज जल्दी से जाकर चेकआउट कीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।